रिपोर्ट। खरगोन जिले के महेश्वर ब्लॉक के नांदरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पहली बारिश ने ही निर्माण कार्य की पोल खोल दी। प्रसूति कक्ष सहित पूरे बिल्डिंग में छत से टपक रहे लगातार पानी से मरीजों की जान के साथ कभी भी खिलवाड़ हो सकता है। वहीं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य होने से प्रसूति कक्ष सहित ओपीडी कक्ष में बारिश का पानी भर गया, जिससे इलाज करने आए डॉक्टर ओपीडी के बजाय बरामदे में बैठकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। ग्राम नांदरा स्थित एक माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में बारिश के पूर्व करीब 8 लाख रुपए की लागत से छत सहित अन्य रिपेयरिंग कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया गया, लेकिन रिपेयरिंग कार्य पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और पूरी छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूरे अस्पताल में पानी जमा होने के कारण दवाइयों के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पानी की भेंट चढ़ गए। इस मामले को लेकर जब ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश की मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो सहित स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से शिकायत करने जा रहे हैं। अस्पताल में गुणवत्ता विहीन कार्य को लेकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश तिवारी का कहना है कि अस्पताल में बिना गुणवत्ता के काम किया गया। इस संबंध में संबंधित इंजीनियर सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी 2 बार लिखित रूप से अवगत कराया गया था। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर अस्पताल पहुंची स्वास्थ्य विभाग की इंजीनियर सुरुचि पराथे का कहना है कि पूर्व में भी ठेकेदार को हिदायत दी थी, पर ठेकेदार द्वारा नहीं सुना गया। ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है। अब ठेकेदार को पुनः कार्य कराया जाएगा, तभी उसका फाइनल भुगतान किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। तो इनको बोलची बनाकर पानी भरवाने कहा था, बट इन्होंने वो काम नहीं किया और इसके लिए मैंने इनको लेटर भी लिखा था, तो अभी इसी वजह से मैंने इनका फाइनल भुगतान जो रहता है वो नहीं किया है काम का। इनके कुछ काम भी अभी अधूरे हैं। ये काम मैं जैसे जून में आई हूँ 2018 में, उसके पहले से ही चल रहा है लगभग 2 साल। इसे आप वापस पुनः करवाओगे क्या, रिपेयर वापस करवाओगे? जो भी हम भुगतान करते हैं स्टार्टिंग में भी इनकी FDR जब्त रहती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, और अभी फाइनल भुगतान नहीं हुआ है। उस बेस पर ये काम इनको 3 साल की इनकी वारंटी, जो भी गलतियां होती है वो फिर से करना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये फिर से करेंगे इस काम को। मेरे द्वारा ये काम चल रहा था, इसमें कुछ रुकावट आ रही थी, बीच में वो काम बीच में रोक भी दिया था इन्होंने, और क्वालिटी में थोड़ा सा परेशानी थी, तो इस संबंध में मैडम को भी मैंने सूचना दी।